हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, ये चैप्टर 7 हम कर रहे हैं और चैप्टर 7 का नाम है रजिस्ट्रेशन। और इस पार्ट में रिवोकेशन के प्रोसीजर जो होते हैं सेक्शन 30 में जो बताए गए हैं वो हम करने वाले हैं। दोस्तों, ये है चैप्टर 7 और ये इसका पार्ट होने और शायद 12 पार्ट होना चाहिए, मुझे याद नहीं। और वैसे काउंटिंग में 58 पार्ट है ओवरऑल जीएसटी के, अब तक मैंने जो बना दिए हैं छोटे छोटे हैं, ओवरऑल 58 पार्ट्स हैं। और ये इस चैप्टर का मेरी तरफ से लास्ट पार्ट है। अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो वो आप सेल्फ कर सकते हो 100%। और अगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि टॉप 50 वाले बच्चों ने बताया कि सर ये वाला पार्ट टफ लग रहा है, आप एक बार बता दो, तो मैं और वीडियो इस पर बना दूंगा। फिलहाल जो मेरा जो बैकअप चल रहा है उसके हिसाब से मैं ये कहूँगा कि मेरी तरफ से लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट बात सर ये कि अब एक दो दिन में जो चैप्टर स्टार्ट होगा दैट इज़ चैप्टर 8, इसमें मुश्किल से मुझे 3 दिन लगेंगे, यानी 3 अल्टरनेट डेज, क्योंकि एक दिन ऑडिट एक दिन जीएसटी बनाना होता है। उसके बाद फिर चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, उसमें भी अप्रॉक्स 3 से 4 दिन लगेंगे। वैसे इसमें 3 दिन नहीं लगने चाहिए, इसमें मुझे 1 से 2 दिन लगेंगे बस, हार्डली। और उसके बाद चैप्टर टेन में भी मुझे 3 से 4 दिन लगेंगे। अब जितने भी दिन हो जाए आज की तारीख से आप जोड़ लेना अंडर अल्टरनेट डेज़ के बेसिस पे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी 31 जैन से पहले, आपके रिजल्ट से पहले आपका जीएसटी आपके हाथ में हो, ये मेरा 100% ट्राई रहेगा। अगर भगवान ने सब कुछ सही रखा तो ये मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है सर? बाकी आप लोग की दुआएं और आपके इस चैनल को नमन है, मेरा सत्सत नमन कि हम इतना सारा कर पाए। अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूट में जीएसटी का सिलेबस खत्म नहीं हुआ इतना फास्ट जितना हम कर रहे हैं, और जितना स्टडी मैट को हमने पढ़ा है किसी ने पढ़ा भी नहीं है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस पार्ट की स्टडी को, और जो कुछ यहाँ से है अदर पॉइंट से जहाँ मैंने लास्ट में छोड़ा था आपको C(5/60) बता के, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें पढ़ना है ओवरऑल। सर, पहला पॉइंट कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट सीक कैंसिलेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये लास्ट पार्ट जो सेक्शन 29 है उससे रूल 20 बिलोंग करता है, उसके ऊपर कह रहा है कि भैया जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो 1 साल की एक्सपायरी से पहले कैंसिलेशन नहीं करा सकता। मतलब उसे 1 साल का एक्सपायरी पीरियड देखना पड़ेगा कि मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिए 1 साल हुए या नहीं हुए। वो खुद से जो कहते हैं ना वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, वो करवा ही नहीं सकता जब तक उसका 1 साल पूरा ना हो जाए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि भैया एक पर्सन है जिसने UIN लिया है। क्या लिया है? UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे ग्रांटेड किया गया था रूल 70 के अंदर, ये आपको पहले बताया गया है। कैन नॉट अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकता, चाहे आज या कल, कभी भी नहीं, ठीक है। उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विल नॉट अफेक्ट लाइबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू पे टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर दिस एक्ट। यानी भैया लेट सपोज आपकी टैक्स की लाइबिलिटी 1 लाख बनती थी, मैं आपको यहीं लिख के दिखाता हूँ। लेट सपोज आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी ना लेट सपोज 10,000 रुपीज़ बन रही थी समथिंग कुछ। आपने क्या किया, आपने जीएसटी को कैंसिलेशन के लिए कह दिया कि भैया मेरा कैंसिल कर दो, आपका कैंसिल भी हो गया। मतलब इसका ये मतलब नहीं है जीएसटी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका कैंसिल हो गया, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको 10,000 पे नहीं करने पड़ेंगे। बेटा 10,000 तो आपको मरते दम तक पे करने पड़ेंगे, जब तक आप पे नहीं कर देते आप कानून की निगाहों में गिल्टी फील किए जाएंगे, आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। फाउंड टू बी गिल्टी एक वर्ड होता है लॉ के अंदर, वैसा ही आपको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताऊँ आपको, मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा लॉयर है और उसने आज तक कभी कोई केस नहीं आया, बहुत हायरिंग फीस लेता है। उससे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना मैं उससे सारी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, और वो मुझे लॉ में भी हेल्प करता है। मतलब बहुत अच्छा लॉयर है, बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन है उसकी, तो वो मुझे हमेशा बताता है। तो दोस्तों, आपका भी कोई एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपको लीगल इंटरप्रिटेशन बताए, बहुत नामी है, मैं नाम भी नहीं ले सकता। उसने मना किया है कि कभी मत बताना यूट्यूब पर, तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसने वो मुझे हमेशा गाइड करता है। अभी एक ना मतलब एक केस था, एक मतलब लड़की लड़की का नॉर्मल सा केस था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये लड़की और लड़की आपस में प्यार करते थे, पता नहीं क्या हुआ इसने इस पर बहुत सारे आरोप लगा दिए। अब इस केस की सुनवाई में आपको बताता हूँ क्या हुआ। आप बोलो ये केस अदालत में थोड़ा ना जा सकता, आपको बता रहा हूँ बस समझने की कोशिश करना। अब ये लड़की ने इसे एक बार मजाक मजाक में कहा था कि जो मेरे चाचा है ना अंकल, वो ब्लैक का काम करते हैं, ठीक है, ब्लैक का काम करते हैं, मतलब कि ब्लैक को वाइट करना, वाइट को ब्लैक करना, हवाला करना, ये सब इस लड़के ने इसे कहा कि वो ऐसा करते हैं, ठीक है, ऐसा इस लड़की ने कहा, ठीक है। हो सकता है ये सारा का सारा एग्जांपल हो, किसी भी पॉइंट से मैं रिलेट कर सकता हूँ, तो फिलहाल फिर सर आप ध्यान दें। तो फिर बाद में ये लड़की इस पे आरोप लगाती है खूब सारे, ठीक है। इसके चाचा अब केस में खड़े हैं,
बैकअप में इसके कि अरे हमारी छोरी को कैसे छेड़ दिया ये वो। तो इस वकील ने क्या कहा कि क्या इस लड़की ने सही कहा है कि आप ये सेकंड हैंड ये सब गलत काम करते हो? चाचा ने कहा बिल्कुल नहीं। उसने कहा ये तो बच्ची है, इसको क्या पता सही होता है क्या होता है गलत क्या होता है। तो इस वकील ने कहा कि अगर इस बच्ची को ये नहीं पता कि सही क्या होता है गलत क्या होता है, तो ये जो लड़की जो ये इल्ज़ाम लगा रही है इस लड़के ऊपर, ये सही कैसे हो सकता है? समझ पा रहे हैं आप दोस्तों? बहुत ज़्यादा पैंतरे होते हैं लॉ को इंटरप्रेट करने के, लॉ को हैंडल करने के लिए। बहुत तगड़ा लॉयर ये मुझे हमेशा सिखाता है, कोई भी केस होता है मैं इसे शेयर करता हूँ, चाहे मेरी लाइफ का कोई, इतना खतरनाक वो बताता है ना। वो कहता है कि भाई अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा हो ना, तो आप किसी मरे हुए केस को भी जीत जाओगे। आपके अंदर वो डेडिकेशन होनी चाहिए। यू हैव टू नो एंड यू शुड नो दैट हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ। कमाल की बात इसने बताई। अगर ये केस समझ में आया आपको तो बहुत मज़ा आया होगा, और नहीं समझ में आया तो वैसे इस लड़की का ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, वो गुस्से में इसने इसको ऐसा ऐसा कह दिया, लेकिन बाद में दोनों की सुलह हो गई भगवान भरोसे। ठीक है चलो छोड़ो, ये तो एक फालतू का केस था। किसी को समझ में आया तो बहुत मज़ा आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो कुछ कह नहीं सकते, अभी मैं ज़्यादा इसके बारे पर नहीं जाता। हाँ तो उसके बाद ये जो भाई साहब हैं यहाँ पे, ये कहते हैं कि भैया आपकी लाइबिलिटी नहीं कम होगी, आपने बेशक अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया, आपको लाइबिलिटी हमेशा रहेगी और आपको वो अमाउंट पे करना होगा। उसके बाद ये कहता है कि अगर आप SGST में कैंसिल कराते हैं अपने आप को, UTGST में कैंसिल कराते हैं, तो हम ये मानेंगे कि आप ऑटोमेटिक CGST के अंदर भी आपने कैंसिलेशन करवा लिया है। ठीक है, आप SGST में कैंसिलेशन कराते हैं, UTGST में कैंसिल करवाते हैं, तो हम इसका मतलब ये होता है कि आपने CGST में भी कैंसिल करवा लिया है। आप कहोगे सर आप इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो? अरे यार इतना सिंपल टॉपिक है, इसके ऊपर भी टाइम दो क्या? ठीक है, उसके बाद ये रिवोकेशन का टॉपिक आ गया, जिसके लिए हमने ये पार्ट बनाया था अभी। तो सेक्शन 30, जिसे रूल 30 23 के साथ हमें पढ़ना है, तो मैं आपको इसका एक चार्ट बना के देता हूँ। 10 मिनट में ये, सॉरी 5 मिनट में चार्ट हो जाएगा, आपको 2 मिनट के अंदर ही समझ में आ जाएगा। सर ये हमने पहले वाले पार्ट के अंदर पढ़ा था कि कोई प्रॉपर ऑफिसर होता है, वो सीयूमोटो के अंतर्गत ना आपको कह सकता है कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। क्या कह देगा? कि भैया आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिलेशन प्रोसेस में जा चुका है, अब आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, इस जगह पे भी आके आप ये कैंसिलेशन रिवोक करवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। क्या करनी होगी? एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, और इसको कहा जाता है डेट ऑफ सर्विस ऑर्डर। ठीक है, डेट ऑफ सर्विस ऑर्डर, तो डेट ऑफ सर्विस ऑर्डर के जो आपको दिया गया है, ये 30 दिन का दिया गया है कि आप इस 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन फाइल करें। ये सर्विस ऑर्डर क्या कहा जाता है? मैं सर्विस को समझा ही नहीं था इस वर्ड को आज तक, अभी कल ही समझाऊँ लेटेस्ट। कल मैं अपनी मम्मी के साथ मतलब गया हुआ था, मतलब मेरी मौसी की जो बेटी है उसको बेबी हुआ, यानी ऑब्वियसली बेबी हुआ एक, तो मतलब कि ये फ्लाईओवर था, फ्लाईओवर के बगल से रास्ता नीचे से यहाँ जा रहा है, नीचे से यहाँ जा रहा है, इस रास्ते के बगल में भी एक पतला सा रास्ता है, तो मुझे इस तरफ आना था, मुझे कोई तरीका नहीं मिल रहा था कि मैं यहाँ कैसे आऊँ, तो मैं आगे बढ़ चुका था, मुझे इस तरफ आना था और बीच में ये क्रॉस था, नहीं आ सकता था। तो एक अंकल ने कहा कि बेटा यहाँ से जाओ, अंदर अंदर कॉलोनी से यहाँ से निकलो, और यहाँ पे सर्विस रास्ता मिलेगा, सर्विस का रास्ता, आप यहाँ से उल्टे हो जाना। मैंने कहा चलान नहीं कटेगा? कर नहीं, वो सर्विस का रास्ता है, वहाँ चलान नहीं कटता, वो आपकी हेल्प के लिए बना गया है। तो फिर मैं इस रास्ते से उल्टा उल्टा आया, फिर इस फ्लाईओवर से नीचे निकल के यहाँ गया। तो मुझे कल समझ में आया कि ये सर्विस का मतलब होता क्या है। मतलब आप इस जगह अपनी अपील को फाइल करोगे, आपको गलत नहीं माना जाएगा, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हियर्ड होता है, एक तरीके से ये कहता है कि आपको माफ़ कर दिया जाएगा अगर आप इस तरीके से अपने काम को करते हो। ठीक है, जैसे पापा बहुत नाराज़ हैं बेटे से, पापा जो हैं बहुत नाराज़ हैं अपने बेटे से, अब वो उन्होंने कहा बेटा अगर तू 90% ले आएगा तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, दैट इज़ सर्विस। अब ये बच्चा क्या करेगा? सर्विस फाइल करेगा अपने 90% की, और इसे माफ़ कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ सर्विस। तो डेट ऑफ सर्विस पीरियड मतलब ये बंदा जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो 30 दिन के अंदर ये फाइल कर देता है, तो इसका रिवोकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और इसे माफ़ कर दिया जाएगा। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। ये तो पहली बात थी, ये तो पहला पैराग्राफ आपको ICI ने समझाया। दूसरा पैराग्राफ क्या समझाता है जरा सुनो। दूसरा पैराग्राफ कहता है कि रिटर्न फाइलिंग डिफॉल्ट, रिटर्न फाइलिंग डिफॉल्ट। ठीक है, वो ये कहता है कि आपने जो रिटर्न फाइलिंग की थी उसमें डिफॉल्ट था, दूसरा मतलब आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की थी, ये समझो आप, आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की थी, या जो फाइल की थी वो गलत फाइल की थी, इनकरेक्ट फाइल की थी। तो आप क्या करना है, आपको उस डिफॉल्ट को क्या करना है, करेक्ट करना है। कब करना है जी करेक्ट?
उस एप्लीकेशन को, जो एप्लीकेशन आप डेट ऑफ सर्विस के अंदर, जो डेट ऑफ सर्विस के अंदर जो आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, उससे पहले ये करेक्शन कर लेना भैया, ठीक है। और जब ये एप्लीकेशन आप फाइल करोगे तो भैया दो बातें होंगी, एक आपके जो उंगली माल डाकू साहब, जो आपके प्रॉपर ऑफिसर हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाए, या फिर ये होगा कि जो प्रॉपर ऑफिसर जो है ना आपका, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। वो इस रीज़न से सेटिस्फाइड नहीं होगा कि भैया आपने अभी भी काम सही से नहीं किया। तो अगर ये सेटिस्फाइड है, अगर प्रॉपर ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाइड है, तो डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ अप्लाई, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ अप्लाई, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ अप्लाई, जब इन्होंने अप्लाई किया उसके 30 दिन के अंदर ये क्या कर देंगे, अपना रिवोकेशन ऑर्डर फाइल कर देंगे, रिवोकेशन ऑर्डर फाइल कर देंगे, और इनका जो रिवोकेशन था ना वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और इनका जो कैंसिलेशन था उसको रद्द कर दिया जाएगा कि भैया ये इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो होना था कैंसिल, अब वो कैंसिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिवोकेशन ऑर्डर 30 दिन के अंदर ये भाई साहब जो प्रॉपर ऑफिसर हैं वो फाइल कर देंगे। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तब क्या होगा, शो कॉज नोटिस फाइल करना होगा 7 दिनों के अंदर, ठीक है। उसके साथ साथ 30 डेज के अंदर ना क्लेरिफिकेशन होगी, क्या होगी, क्लेरिफिकेशन कि यार तुम शो कॉज नोटिस दे रहे हो कि भैया मत करो मत करो, लेकिन क्यों ना करें। तो इस 30 डेज के अंदर क्लेरिफिकेशन होगी, और ये जो हमारे प्रॉपर ऑफिसर हैं वो डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज क्या करेंगे, दो बातों का सिंपल सी जवाब देंगे, या तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपके शो कॉज नोटिस को, या तो वो रिजेक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, ठीक है। और लास्ट बात जो इसमें वो कहता है, वो कहता है अगर SGST में रिवोकेशन हो गया या फिर UTGST में रिवोकेशन हो गया, तो हम ये मान लेंगे कि आपका CGST के अंदर भी रिवोकेशन हो चुका है, रिवोकेशन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये क्या कहता है, जरा ध्यान सुनना। वेयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज कैंसल्ड बाय सू मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज कैंसल्ड, आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किसी भी पर्सन का कैंसिल हो गया है सो मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, सच रजिस्ट्रेशन पर्सन में अप्लाई फॉर रिवोकेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि रोड वाला सर्विस के एग्जाम्पल से लिंक करके, तो आप भी कुछ भी अपना जोड़ सकते हैं, और बाकी हमने पूरा समझ लिया। हावेयर इन केस रजिस्ट्रेशन वॉज कैंसल्ड फॉर फेलियर फॉर रजिस्टर पर्सन टू फर्निश रिटर्न बिफोर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन, द पर्सन हैज़ टू मेक गुड द डिफॉल्ट, मतलब अपने डिफॉल्ट को क्या करना है, करेक्ट करना है। उसके बाद वो क्या कहता है, विच द रजिस्ट्रेशन वॉज कैंसल्ड बाय द ऑफिसर, जिस रीजन से, जिस वजह से ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, उस अपनी गलती को सुधार करो, अपने पाप को धोकर आओ। इफ द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर सफिशियंट ग्राउंड्स, कि अब वो जो बंदा है वो सही सच कह रहा है, वो सुधर गया है, उसकी आत्मा शुद्ध हो गई है, तो वो रिवोकेशन को क्या कर सकता है, कैंसिलेशन कर सकता है, रिवोकेशन को लेके, मतलब कैंसिलेशन के ऑर्डर को वापस ले सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। कितने दिन के अंदर, वो 30 डेज के अंदर करेगा, 7 दिन का उसको क्या कर देगा, शो कॉज नोटिस भी देगा अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो। फिर उसके 30 दिन के अंदर भाई साहब क्या करेंगे, अपना ऑर्डर सुनाएंगे, या तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे इस बात को, या तो वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर लास्ट में इसने यही कहा कि भैया CGST एक्ट में भी आपका रिवोकेशन मान लिया जाएगा अगर आपका SGST या UTGST में एक्सेप्ट कर लिया गया है। ओवरऑल लेट अस रेसी री कै पू टू लेट, जो भी है मुझे नहीं आती इंग्लिश इतनी, पढ़ लेना आप लोग, मतलब ये रिविज़न करके दिया गया, यहाँ पर आप खुद से एक बार पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहूँगा, ये चार्ट और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, और मिलते हैं सर नेक्स्ट पार्ट के अंदर। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सर कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये चैप्टर फाइनली में समझ में आया या नहीं आया। और उसके बाद आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेल कर सकते हैं cahub.007@gmail.com पे, ठीक है सर। बधाई हो आपको, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। बाय बाय।